हेलो गाइस, तो आपको पता होना चाहिए रेलवे ने CVT 2 यानी RRB ALP और टेक्नीशियन का जो वैकेंसी था उसका CVT 2 का डेट अनाउंस कर दिया है। ठीक है, और इन्होंने अभी तक रिजल्ट तो पब्लिश नहीं किया है, लेकिन आप देख पा रहे हो मेरे सामने ये ऑफिशियल नोटिस है जो RRB की वेबसाइट पे आपको अवेलेबल मिलेगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने साफ साफ कहा है कि जो फर्स्ट स्टेज का रिजल्ट है वो फाइनल स्टेज में, ठीक है, फर्स्ट स्टेज CVT का रिजल्ट फाइनल स्टेज में है और कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है सेकेंड स्टेज के लिए, और जल्द ही ये रिजल्ट पब्लिश करेगी मेरिट लिस्ट और पोस्ट प्रेफरेंस के बेसिस पे। इनका रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा 5 नवंबर 2018 को। ठीक है, इनके हिसाब से अभी टेंटेटिव डेट जो रिजल्ट का है वो है 5 नवंबर 2018, और 5 नवंबर को एक्चुअल मार्क्स और नॉर्मलाइज स्कोर दोनों पब्लिश किया जाएगा। ठीक है, तो कैंडिडेट का रिजल्ट आ जाएगा 5 तारीख को, और उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि 5 तारीख के रिजल्ट आने के बाद 19 नवंबर 2018 से उनका CVT 2 एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, यानी सेकेंड स्टेज CVT ये लाइकली टू स्टार्ट फ्रॉम 19 नवंबर 2018, यानी इनका टेंटेटिव डेट है 19 नवंबर 2018 से एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, और चांसेस भी हैं हो भी सकते हैं। ठीक है, अगर रिजल्ट 5 तारीख को आ जाता है तो आपका एग्ज़ाम 19 नवंबर 2018 से शुरू हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने बात की है सिलेबस की, तो सिलेबस आप देख सकते हो इन्होंने अभी ट्रेड से रिलेटेड जो भी सिलेबस पब्लिश किए हैं अपने वेबसाइट पे, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, और अगर कोई फर्दर न्यूज़ आता है तो फिर आपको अपडेट कर दिया जाएगा, इन्होंने ये सब बोला है। तो अभी हाल फिलहाल में आपको यही दिमाग में रखना है कि 5 तारीख को आपका रिजल्ट आने वाला है और 19 नवंबर 2018 से आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, इसलिए आप अभी से जो भी टाइम है आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है, अब ज़्यादा टाइम नहीं है, 18 दिन मात्र आपके पास बचा हुआ है, इस 18 दिन में आप अच्छे से फोकस करो और अच्छे से पढ़ाई करो ताकि 19 नवंबर से अगर एग्ज़ाम हो तो आप उसके लिए प्रिपेयर हो। ठीक है, ओके बाय।